आप कोई तजवीज़ देंगी, हुकूमत की आप वज़ीर भी हैं, अपोजिशन को कोई तजवीज़ देंगी कि उस तजवीज़ के ज़रिए हुकूमत और अपोजिशन में पॉलिटिकल टॉलरेंस बढ़े, सियासी बर्दाश्त, रवादारी का जो रवैया है वो ज़रा बढ़े, क्योंकि इसकी ज़रूरत है बड़ी इस वक्त? बहुत ज़रूरत है, बिकॉज यू सी अभी जो हालात हैं, फॉर इंस्टेंस इकॉनमी के, हमने पिछले अभी 14 महीने गुजर गए हैं, बट वेन वी केम इन एंड द सिचुएशन जिस तरह का यू नो फैटिफ के सारे कंडीशन एंड ऑल दैट, तो 14 महीने गुजरते हुए वी हैव कम टू अ स्टेट जहाँ थोड़ी सी हम स्टेबल हो गए हैं, मुल्क स्टेबल हो गया. वी हैव सीन दी इशूज़, बेसिक इशूज़ जो बुनियादी हैं, जो लोगों के, अवाम के मतलब विच सेंसिटिविटीज़ आप कहें या उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से, बहुत सी चीज़ें इनिशिएटिव्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिए भी हैं, चाहे एहसास प्रोग्राम हम देखें, यू नो टारगेटिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, बट द कंट्री कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद यू नो दीज काइंड्स ऑफ सिर्फ और सिर्फ अगर ये हो तो उसमें नेचुरली ऑपोजिशन का साथ एक हुकूमत को और एक मुल्क को हर हालत में ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत है. फॉर दैट आई फील, जैसे मैंने कहा कि हमें पॉलिटिकली चीज़ें देखनी चाहिए, हमें ईगोज़ को अब ख़त्म करना चाहिए, हमें ये वो वक्त आ गया है जहाँ अपने वोटर्स की भी सेंसिटिविटीज़ को सामने रखते हुए लीडर्स को फैसला करना चाहिए, क्योंकि लीडर्स एंड इट इज़ द मेंबर्स हु आर इन द असेंबली और अवाम असेंबली में नहीं.